ये वाइल्ड का वर्ल्ड है, यहाँ पर ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन एनिमल्स से हमें इतना डर नहीं जितना हमें इस एनिमल से डर है। ये लैपर्ड है, ये जंगल ही लैपर्ड का है। तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गाड़ी से बाहर ज्यादा देर रिस्क है, चलते हैं अपनी कैंपिंग साइट में, थोड़ा सा ही आगे है तो फटाफट चलते हैं गाड़ी लेके, वहां पर अपनी कार कैंपिंग करेंगे और वहां पर आज हम ओवरनाइट वहां पर सोने वाले हैं। वहीं भाई कुत्ता भौंक रहा है, उसको कुछ दिख तो नहीं रहा कहीं? सीन ही वाला ठंड में गाड़ी के अंदर से नहीं है, गर्मी हमें शीशे खोल के सोना पड़ेगा। भाई वो देख लाइट लाइट दो आंखों उसकी दो आंखें चमक रही हैं, देख हथियार कहाँ जरा ये सामने पड़ा, सामने पड़ा। दरवाजा बंद कर दे, बस समझा कर, कुत्ते कुत्ते कुछ दिख रहा है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर फटाफट, दरवाजा बंद कर दे फटाफट, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, विंडो ऊपर कर दे, विंडो ऊपर कर दे, जल्दी चाबी पकड़ दे यार, जल्दी अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर दे। फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रिस्क लग रहा है। ये बन गया बेड रात के सोने के लिए। सो दोस्तों ये हमारा कार कैंपिंग वाला बेड है, यहाँ पर हम सोएंगे, दिखाना यहाँ पर सो के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो आज हम वापस जा रहे हैं कार कैंपिंग करने के लिए, एकदम एडवेंचरफुल कैंपिंग होने वाली है आज, बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट में जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम हमेशा खतरनाक फॉरेस्ट में कैंपिंग करते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं एकदम नेचर के बीच जगह हम जा रहे हैं, ये जंगली जानवरों का आपको पता है, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर जंगली जानवर तो होंगे ही और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस काफी दिनों के बाद आज हम नाइट कैंपिंग कर रहे हैं और आई होप आप बहुत सारे एक्साइटेड हो, और बहुत कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो हम आपके व्लॉग के लिए वापस है जंगल में शूट करने आ गए। और गाइस कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। सो अभी हम रास्ते में ही हैं और अभी आपको रास्ता दिखाएं, एकदम खतरनाक रास्ता है। सो अभी हम चलते हैं और थोड़ी देर में आपको मिलते हैं अपनी कैंपिंग स्पॉट में। तो एवरीवन, जैसे कि आपने पहले बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा ये वाला बैनर, ये बैनर मैं आपको इसलिए बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपको लगता होगा कि हम नॉर्मल से फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, बट आपको बता दूं कि ये सच में लैपर्ड का फॉरेस्ट है, ये लैपर्ड का घर है, इसलिए इसकी फोटो लगाई गई है, यहाँ के लोगों को एक चेतावनी दी गई है कि ये लैपर्ड का घर है, यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो ध्यान से जाना, यहाँ पर रुकना मत। और अभी हम गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, रात को, दिन की बात होती है तो अलग बात होती है, लेकिन इस टाइम रात है, रात को ये बहुत रिस्की होता है यहाँ पर बाहर निकलना, बट आपको दिखाने के लिए मैं बाहर आया हूँ। देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड, ये वाइल्ड का वर्ल्ड है, यहाँ पर ये सारे चीज एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन एनिमल्स से हमें इतना डर नहीं जितना हमें इस एनिमल से डर है। ये लैपर्ड है, ये जंगल ही लैपर्ड का है। तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गाड़ी से बाहर ज्यादा देर रिस्क है, चलते हैं अपनी कैंपिंग साइट में, थोड़ा सा ही आगे है तो फटाफट चलते हैं गाड़ी लेके, वहां पर अपनी कार कैंपिंग करेंगे और वहां पर आज हम ओवरनाइट वहां पर सोने वाले हैं, वहीं पर कुकिंग करेंगे, वहीं पर एंजॉय करेंगे और जो भी एडवेंचर होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं यार, टाइम वेस्ट किए बिना। जाते 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 ये भी करना सेट। सो एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइड में और आवाज सुनिए आपको, एकदम जंगल की आवाज आ रही है, ये सुन के अरविंद की तो फट चुकी है, मेरी भी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि हम दोनों ना बड़ी कम ही आते हैं ऐसे जंगलों में अकेले, पर आज हम काफी टाइम के बाद अकेले आए हैं। पहले भी हम आए थे एक बार तो उस टाइम बहुत हमें खतरनाक चीजें फेस करनी पड़ी थी, तो आज भी हमें ऐसे ही अकेले आना पड़ा दोनों को, तो अभी हमारी बहुत हिम्मत नहीं हो रही यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि कार कैंपिंग होगी तभी जब हम ऐसे कार से बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कार से बाहर निकल गई होंगी। तो चलते हैं, अभी आप देखो कि ये डीप जंगल है पूरा, कोई भी नहीं दिखेगा आपको दूर दूर तक, ये पूरा डीप फॉरेस्ट है और यहाँ से कब लैपर्ड आ जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है, तो हमें चुकन्ना रहना पड़ेगा कैंपिंग करते हुए। हैं हथियार, हथियार इसमें पड़ा हुआ, हथियार निकाल ले पहले, इधर ही पड़ा हुआ यार, जब मैं यहाँ से निकालता हूँ, ये रहा ये रहा, शुक्र है। ये ले, अब क्या करते हैं पता क्या करना है हमने, ये सारा सामान जितना भी है ना सब बाहर निकालना है और बेड को खाली कर देना है। तो गाइज ये हमारी कार कैंपिंग का बेड है, यहीं पर हम आज सोने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पर बहुत सारा सामान है, इसको हम निकाल देते हैं, खाली कर देते हैं,
और भाई आवाज सुन लो अब जंगल की। चेयर निकाल ले। हाँ हाँ चेयर निकाल ले। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कार कैंपिंग करते हुए, लेकिन जो उनकी कार कैंपिंग होती है वो बहुत ही एकदम फ्रेंडली होती है नेचर के साथ। वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, एडवेंचर वाली कैंपिंग नहीं करते। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा। आप सच में यार, अगर आप ये लोकेशन अभी आपको मैं गूगल मैप में बताऊंगा, ये लोकेशन आप सर्च करना, एकदम डीप फॉरेस्ट है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जंगल ही जंगल है और उसके बीच में ही हम कार कैंपिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत रिस्की होता है ऐसे कार कैंपिंग करना। तो यूट्यूब में कोई भी इतनी खतरनाक कैंपिंग करते हुए नहीं मिलेगा कार कैंपिंग करते हुए। आपको हमेशा मिलेंगे तो वो अपनी फैमिली के साथ होंगे, है ना, अपनी फैमिली के साथ कार कैंपिंग कर रहे होंगे, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या वो दिन में ही कैंपिंग करेंगे। रात को करते हैं लोग, लेकिन बहुत ही कम, और ऐसे जंगल में तो कोई भी नहीं करता। जंगल में जितने डीप जंगल फॉरेस्ट में हम करते हैं कैंपिंग। तो ब्लॉग करते करते हुए हमें सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है यार। सबसे आपको क्या बताऊँ, अभी हमारी हालत एकदम ख़राब है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसे जंगल में अकेले दोनों आए हैं। पहले भी आए हैं बट हमारे साथ और बंदे आते रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम हम दोनों अकेले आए हैं। तो बहुत रिस्क हो जाएगा हमारे लिए फेस करना, आज की रात यहाँ पर सर्वाइव करना है। फिलहाल पानी काफ़ी है इतना ना, तो बहुत है भाई। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बेड खाली हो गया, दिखा मुझे, ये बन गया बेड रात के सोने के लिए। सो दोस्तों ये हमारा कार कैंपिंग वाला बेड है, यहाँ पर हम सोएंगे, दिखाना यहाँ पर सो के। अभी तेरे पांव बाहर आ रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है, जो कि पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि फ्रंट वाली सीटें आगे हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे लेट जाएंगे। फिलहाल फ्रंट सीट्स पीछे हैं, तो अभी हम पूरे नहीं आएंगे इसमें। तो जब हम कुकिंग वगैरह कर लेंगे, खा पी लेंगे, तो हम सोने के टाइम पे सूट सीट्स को हम बेंड करके आगे कर देंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर सो जाएंगे। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम क्या हो रहा है पहले टाइम बताना। गाइस टाइम देख सकते हो, अब टाइम अभी हो रहा है 9:30, मतलब तकरीबन 9:30। लोगों को लगता है कि हम ये टाइम खुद से सेट करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, गूगल तो नहीं झूठ बोलेगा ना, इसमें गूगल में बोलना कि प्लीज टेल मी द टाइम। हे सीरी। नहीं नहीं गूगल खोल, मजाक के बिना। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? गाइस चेक कर सकते हो, 9:31 हो रहे हैं, और ये गूगल सीरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये झूठ तो बोलेगा नहीं। हाँ साथ में ना मुझे बता, इन सबको बता कि ये जिस लोकेशन में हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये लोकेशन कौन सी है, इस जगह का नाम क्या है। चेक कर सकते हो, ये लिखा हुआ है जम्मू सुरिंसर मानसर रोड। ये आप सर्च मार लेना, गूगल में भी सर्च मार के देख लेना, गूगल में सर्च मारना सुरिंसर मानसर, जरा गूगल में आपको साफ साफ ये बताएगा कि ये जो जगह है एनिमल्स का घर है, और यहाँ पर सबसे मेन एनिमल्स जो देखा जाता है वो है लेपर्ड। गूगल में लिखना सुरिंसर मानसर इज फेमस फॉर विच एनिमल फाउंड इन सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ वो आगे पहले नंबर में देखना, ऊपर देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम। ये देख यहाँ पर, ये देख क्या लिखा, पीछे कर हाथ लिखा हुआ है गोरल वाइल्ड बोर बार्किंग डियर लैपर्ड। बाकी सब छोड़ो भाई, लैपर्ड में नजर मार लो, लैपर्ड यहाँ मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पे ये देख ना, ये लिखा हुआ है, ये गाइस लैपर्ड। हाँ कम करो इसको, कम कर, क्या लिखा हुआ है, सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आपको मैंने बताया मैप में कि हम किस लोकेशन में कैंपिंग करने जा रहे हैं, सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर कौन से एनिमल्स मिलते हैं, ये भी आपको बता दिया मैंने। तो अब तो आपको बिलीव हो गया ना, टाइम भी बता दिया और बता दिया कि कौन सी जगह हम कैंपिंग कर रहे हैं। तो अब मत बोलना कि हम घर के आसपास कैंपिंग करते हैं या रोड के आसपास कैंपिंग करते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कुकिंग करते हैं, क्योंकि बाहर रिस्क है। सो अभी भाई तू फटाफट शूज खोल और कार के अंदर बैठ जा, क्योंकि अभी हमें करनी है कुकिंग, तो उसके लिए वेजिटेबल्स काटने पड़ेंगे। तू काम कर रहा है? हाँ पीछे कुछ नहीं दिखा रहा भाई, तू हथियार मुझे दे दे कि मैं बाहर बैठा हूँ, ये ना हो कि मेरे ऊपर अटैक हो जाए। ये पड़ा, ये पड़ा। ठीक है जी, मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। ठीक तू अंदर बैठ जा फटाफट, ठीक है मैं तुझे सामान दूंगा, तू फटाफट काम करना शुरू कर दे। ठीक है ये तू ले ले, इसमें तूने काटने वेजिटेबल्स। ठीक है ठीक है, वेजिटेबल्स वाला लिफाफा कहाँ है? सब कुछ यहीं पे है। ठीक है ये ले वेजिटेबल्स। मटर आज क्या बना रहे हैं हम? आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव मतलब बिरयानी? वेज पुलाव, वेज बिरयानी। अब चिकन खाना तो छोड़ दिया। सही में यार गाइस आपको बता रहा बोल के कि हम, मैंने तो चिकन कंफर्म छोड़ दिया, इसका कच्चा पक्का है लेकिन सुन मतलब लग रहा है कि छोड़ दिया। सो अब से हम बन चुके हैं वेजिटेरियन। सो आज अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते तो हम बनाते यहाँ पर जंगल में तो ऐसी आवाजें तो आएंगी। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि हाँ अब हम बन चुके हैं वेजिटेरियन। सो आज अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते तो आज हम बनाते नॉन वेजिटेरियन बिरयानी। सो आज हम वेजिटेरियन बन चुके हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेरियन बिरयानी। तो उसके लिए हम लाए हैं वेजिटेबल्स थोड़े से,
और इसमें हम राइस में डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बनाने वाले हैं बिरयानी। तू क्यों हंस रहे इतना? बंदे मौजूद लेंगे, पता क्या बोलेंगे? बोलेंगे वेजिटेबल बिरयानी भी कोई बिरयानी कोई चीज है। भाई होता है ना, किसने बोला तुझे? भाई लोग नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? वेज बिरयानी कुछ कोई वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं होती यार। ये तो फिर जो वेजिटेरियन होते हैं क्या वो इंसान ही होते हैं क्या? उनको भी जीने का हक है। अगर वो बिरयानी असली बिरयानी नहीं खा सकते तो उसको कुछ तो अल्टरनेट निकालना पड़ेगा ना। नॉन वेज वाले यार कोई सीन नहीं है। तो फटाफट सब्जी काट यार, ठीक है? नहीं कितना टाइम लगेगा? लगेंगे आधा घंटा। तो दोस्तों अभी हम जो बिरयानी बनाने जा रहे हैं ना उसमें हमने डालने हैं मटर और हम डालने हैं ये क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे बोलना नहीं आता। बीन्स बोलते हैं हिंदी में, फली है ना, फली इसको बोलते हैं ना। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कुछ और चीज़ होती है। तो ये चीज़ें डालने वाले हैं और क्या डालने वाले हैं इसके बीच में? गोभी भी थी ना यार, गोभी कहाँ है? गोभी वो पड़ी है उसमें। तो इसमें हम डालेंगे गोभी, मटर और बीन्स। और तो नहीं कुछ बीच में डालने वाला यार? कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए म्यूजिक। म्यूजिक की कमी लग रही है, म्यूजिक लगाते हैं। ऑन कर दे, बैटरी डेड तो नहीं पड़ी इसकी? अपना ब्लूटूथ मोबाइल ऑन कर ले कनेक्ट इसके साथ। इसका चार्जर मैं लगा लेता हूँ यार, एक सेकंड। ये ले इसका चार्जर लगा ले। सो गाइस ये हमारा पावर बैंक है बहुत बड़ा, इससे हमारा काम चल जाता है, इससे हम लाइट्स वगैरह ऑन करके रखते हैं। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो आप इस व्लॉग में, तो नहीं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तो बता जिसमें कॉपीराइट ना है। यार मेरी तो सच बताऊँ ना, व्लॉगिंग करते करते मेरे व्लॉग में कम इंटरेस्ट पड़ रहा है, मेरे को थोड़ा डर ज्यादा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना अकेले इसके साथ, तो वो ऐसे तो हम थोड़ा सा नियर बाय लोगों के आसपास रहते हैं, लेकिन आज हम सच में डी फॉरेस्ट में आ चुके हैं, तो मेरे को बार बार यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ, मुझे डर सा लग रहा है यार। ये देख सकते हो पूरा पूरा जंगल है यार यहाँ पर, ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा अगर। और दोस्तों जब आप मेरी वीडियो देखते हो ना तो आपको पता है मेरी वीडियो नाइट में शूट होती है तो थोड़ी लाइट की कमी रहती है, तो आप ना अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस फुल करके मेरी वीडियो को देखा करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको दिखती नहीं है, तो आप ब्राइटनेस फुल करके वीडियो को देखा करो। फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और यहीं से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रिस्क लग रहा है, तो मैं थोड़ा सेफली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। पीछे अरविंद को बना रहा है। क्या हुआ? चुप कर, शांति। क्या क्या सुनाई दिया? गाइस बुरी हालत हो रही है, बार बार आवाजें सुनने को मिल रही हैं हमें, तो इसलिए हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। बाहर हम कम ही निकल रहे हैं आज, सो देखा जाएगा जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल पीछे कर रहा है ये वेजिटेबल्स काट रहा है। पूरी मैल निकालनी पड़ी है, खराब है क्या ऊपर से गोभी? थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी साफ करनी पड़ती है यार। देखो कीड़ा तो नहीं कोई, रात को दिखेगा भी नहीं, ऑलरेडी हम वेजिटेरियन है तेरे को पता है। नहीं यार मैं इतना भी वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं मच्छर मार लेता हूँ, मुझे मच्छर तंग करता है जब। मच्छर खाता तो नहीं ना? नहीं मच्छर नहीं खाता, मार देता हूँ मैं लेकिन। कड़ी सब्जी पानी जी दे, मैं इसको ले आता भर के। फलियां तो काट देता।
सो एवरीवन, आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कि यार आप व्लॉग बहुत लेट अपलोड करते हो, तो वो इसका पीछे एक रीज़न है क्योंकि यार आप लोगों का प्यार बहुत कम मिलता है हमारे व्लॉग्स को, तो हमें लगता है शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो व्लॉग्स देखने में, तो इसलिए हम व्लॉग लेट लेके आते हैं। बट काफ़ी लिमिटेड लोग हैं, 2 से 4 लोग हैं जो काफ़ी हमें मैसेज पर्सनली मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, तो स्पेशली उनके लिए हम ये व्लॉग लेकर आते हैं। तो कुछ मैं अपने सब्सक्राइबर्स का नाम भी लेना चाहता हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका हमें शुरू से ही हमें प्यार मिलता जा रहा है। तो एक हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अभय जे सिंह टूर, AK ब्यूटी हट, टीम स्टार आर्यन, ऋतु खट्टू श्याम, RS व्लॉग राज, दीप्ति महाराणा, जसप्रीत सिंह, इतने भी सब्सक्राइबर के मैंने नाम लिए, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग्स को इतना ज्यादा प्यार देते हो। ऐसे ही व्लॉग्स को शेयर और लाइक करते रहना, और बाकी हम आपके लिए अच्छे से व्लॉग्स लाते रहेंगे। व्लॉग थोड़े से लेट हो जाते हैं, उसका रीजन आपको मैंने बताया कि हमें लगता है कि शायद हमारे व्लॉग्स को कम देखा जा रहा है, तो हम थोड़ा सा फिर व्लॉग को ज्यादा बना नहीं पाते। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे व्लॉग्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो उतना ही हमारा भी इंटरेस्ट बनता है आपको और वीडियो जल्दी जल्दी लाके दिखाने का। तो अभी तक हमारी वेजिटेबल्स भी नहीं कटी, हो गई है, अब तू उसको क्या करेगा, साफ लिफाफे के अंदर करेगा, ठीक है। बाकी जितना भी कचरा है ना वो सारा एक ही साथ एक ही लिफाफे में रखना, यहाँ मत फेंकना, ठीक है। और काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आप जो भी कचरा करते हो वो वहाँ फेंक तो नहीं देते, तो मैं यार आपको हर वीडियो में नहीं बताता हूँ कि हम कचरे का क्या करते हैं, हम कचरे को एक साइड ही रखते हैं लिफाफे में, और उसको हम घर जाके ही अपने डस्टबिन में रखते हैं। काफ़ी बीच बीच में ब्लॉग्स मैंने दिखाया भी है, और मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत ख़राब है थोड़ी सी, मैं गाड़ी के बाहर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी आंखों में सीधा फ्लैश लाइट लग रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा आगे कि क्या है, तो मुझे फटाफट ब्लॉगिंग बंद करके देखना पड़ता है कि मैं सेफ तो हूँ ना, कोई जानवर तो नहीं मुझे देख रहा ये ना हो कि हम अपनी ब्लॉगिंग मस्त हो और हमें कोई देख रहा हो और एक के बार अटैक करे, है ना, रिस्क है ना बाहर कैंपिंग करना, ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्क है। अच्छा अब तो तुझे बाहर आना पड़ेगा सब्जी धोने के लिए, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं साफ नहीं कर पाऊंगा, शूज पहन ले और आ जा। क्या हो गया, पानी इतना ही है, बहुत पानी है यार, बस कर अब तू भी, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा पानी का, मिस यूज मत कर भाई, पानी कमी है यहाँ पर, पानी नहीं मिलेगा। तो सारी इम्प्योरिटीज निकल गई हैं इसकी, ठीक है, ठीक है, हो गया साफ, वाह। अच्छे से इसको पूरा ऑयलिंग के साथ कर दे जितना भी है।
नमक ज़्यादा डाल चावल के हिसाब से। थोड़ी सी है शायद। छोड़ मत कर, मत कर, बस कर, डाल डाल दे, बस हमें ज्यादा फुल कुक नहीं करना। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा एक न्यू रेसिपी में हम एक चीज नई ऐड कर रहे हैं, जो हमारी ये जो हम इसको ना पूरा फुल कुक नहीं कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा 50% कुक कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट होने वाला 50% कुक हमारे वेजिटेबल्स। अब हम इसमें करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए दही मिलाएंगे। दस स्पीड में सारा थोड़ा छोड़ देना टेस्ट के लिए। अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर दे। सो गाइस हमारे जो वेजिटेबल्स है वो फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पर रख दिए हमने फ्राई। अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर चावल। सो गाइस हमारे जो चावल हैं वो 80% कुक हो चुके हैं। हमें इसको 100% कुक नहीं करना था, क्योंकि अभी हमने जो हमारे वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे हैं उसके साथ ही हम इसको 100% कुक करेंगे, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे 50% कुक हैं। तो अब ये सारे हम एक मिक्स कर देंगे तभी वेज बिरयानी बनेगी। तो अभी हम थोड़े से चावल को अलग करेंगे, पहले डालेंगे यहाँ पर सब्जी फ्राई हुई है। अबे कीड़े बड़े आ रहे हैं, जल्दी करना। दाल डाल दे, मिक्स नहीं करने चावल, ऊपर से पूरा डाल दे, बस बंद कर दे इसको, इसको बंद कर दे इसकी। सही पक पकने है। अब थोड़ी देर इसको हम कुक होने देते हैं। तो अभी हमारी बिरयानी रेडी होने वाली है। तो ये कुछ भी ऐसे अजीब सा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है इसमें, बट अभी इसके जो नीचे है वो जब ऊपर आएगा तो कितना टेस्ट लगेगा। अभी इसके नीचे जो अच्छा सा सामान है हमारा ऊपर ले गया। पानी अभी भी है इसके ना, थोड़ी स्टीम की जरूरत है इसको शायद। पानी नहीं डाल, हमें पानी नहीं डालना चाहिए उसने, पता है स्टीम बना के वो निकाल देते हैं। देख ले, निकालना निकाल, चल निकाल। रेडी है? चल भाई, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अंदर बाहर खाएगा, अंदर खाना है? अंदर खाते हैं यार। बाहर क्या है, डर लग रहा है भाई बाहर, बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने बाहर। चल ठीक है, सुकून से खाऊं अंदर। चल ठीक है फिर अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ना। हाँ थोड़ा रिलैक्स, तूने गंदी बड़ा डाल दिया। अरे लेके इसको रख। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही बना है। बता क्या चीज मैंने इसमें चीज चाहता था, वो चीज बनी है। क्या चीज चाहता था? जो मैंने बोला था ना कि वेजिटेबल्स को फुल कुक नहीं करना, राइस को भी कुक नहीं करना, वो इसलिए था कि मैं क्रंची क्रंची खाना चाहता था। तो बिल्कुल बिल्कुल भी अगर वेजिटेबल्स मेल्ट हो जाते ना, पिघल जाते ना, गल जाते तो टेस्ट नहीं आना था। अभी इसमें मटर बीन्स जितने भी है ना सारे क्रंची है, अभी फुल कुक नहीं है, तो बड़ा सा लग रहा खाते टाइम है, और टेस्ट भी बने हैं। हमें इसमें ज्यादा मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ एक ही मसाला ऐड किया, वो है मैगी मसाला ना, और उसी ने अपना काम कर दिया। मजा आ गया वेज पुलाव। सीना ही आ रहा है ठंड में। गाड़ी अंदर से नहीं है, गर्मी ह्यूमिडिटी होगी गाड़ी अंदर। हमें शीशे खोल के सोना पड़ेगा। कुछ भी दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरे को। वो क्या है भाई? वो देख, लाइट लाइट दो आंखों, उसकी दो आंखें चमक रही हैं। देख पीछे पीछे कर, पीछे कर। हथियार कहाँ जरा? ये सामने पास में। दरवाजा बंद कर फटाफट भाई, समझेगा? दरवाजा बंद कर।
भाई वो देखो आंखें चमक रही दिख रही हैं। हां फटाफट दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दे मेरी बात मान। बंद नहीं हो रहा यार, भाई क्या कर रहा है यार, मरवाएगा, जल्दी कर, जल्दी बंद कर मेरे भाई, जल्दी बंद कर दे, जल्दी बंद कर, कर दे, कर दे बंद। क्या हुआ? बच गया। कोई चक्कर नहीं है, लाइट टूटती टूटने दे भाई, अपनी जान बचानी है। गाइस अभी हमें वहां पर ना दो आंखें चमकती हुई दिखी हैं, अगर आपको दिख रही होगी यहां से, शायद फोन के कैमरे में नहीं दिखेगी लाइट आपको, तो भाई कुछ भी हो सकता है यहां पर, अभी दूर है, कोई पता नहीं क्या चीज हो, है नहीं। चल खाना खाते हैं, सोने वाला काम कर, खा गया भाई। हाँ भाई सो चुप गया, अब बाहर नहीं निकलना, बर्तन बर्तन सुबह ही साफ करेंगे। दरवाजा बंद करने से गर्मी बढ़ गई है तेरे को, सफोकेशन हो रही है अंदर। सो एवरीवन अभी हम क्या कर रहे हैं, सोने लगे हैं। और नहीं यार पता नहीं क्यों गर्मी बहुत लग रही है, तो हमने अपने दरवाजा जो है गाड़ी का वो ओपन ही रखा है। रिस्क तो है वैसे ओपन करके दरवाजा करके सोने का, बट क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि गर्मी लग रही है। वैसे शीशे खोल के तो सो सकते हैं हम, लेकिन फिर भी ज़्यादा हवा फ्रंट से ही आ रही है, तो हमने फ्रंट वाले फ्रंट पीछे वाला गेट है वो खोल के रखा है। ये अलग बात है कि अगर लैपर्ड आएगा तो सीधा हमारे पाँव पकड़ेगा पहले, और खींच के सीधा बाहर ले जाएगा, है ना। दोनों में से किसी एक को, हाँ किसी एक को पकड़ेगा, अगर वो दोनों का दो बंदे आगे कपल आगे, तो कपल आ गया तो बस एक मेरे को एक तरफ पकड़ लेगा। हां आता तो जाएगा, डरा नहीं मेरे को, बंद कर दरवाजा, मैं नहीं सो रहा ऐसे, पागल है क्या? देखा जाएगा यार, चल देखा जाएगा, बंद कर इसको, ले लैपट मेरी टांग पकड़ ले जा खींच के, घसीट के ले जाएगा, मैं बंद कर दूंगा दरवाजा। मैं सो उम्मीद नहीं रख रहा, मैं आऊंगा तेरे को बचाने। चल कोई नहीं, कीड़े बड़े हो गए यार। तो ठीक है गाइस, अब आपको सीधा मिलते हैं सुबह, बाय बाय। लाइट बंद कर दिया है, कहाँ इसका पावर हाउस? वो सामने, इसको बंद कर पहले, रहने दे इसको यार, ओपन ही, ऐसे हवा नहीं आएगी पक्का। कुछ भी हुआ तो प्रभा हथियार तेरे पास ही, हथियार कहाँ है? इधर ही रखा हुआ है यार, वो पड़ा हुआ, कोई नहीं पाँव में है। ओहो भाई, कुत्ते की आवाज आ रही है बाहर से, भाई कुत्ता भौंक रहा है, उसको कुछ दिख तो नहीं रहा कहीं। भाई मत कर भाई, कुत्ते कुत्ते कुछ दिख रहा है तभी भौंक रहा है वो बार बार। भाई दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे भाई, समझा कर, कुत्ते कुत्ते कुछ दिख रहा है, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर फटाफट, दरवाजा बंद कर दे फटाफट, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, विंडो ऊपर कर दे, विंडो ऊपर कर दे, जल्दी चाबी पकड़ दे यार, जल्दी विंडो को फटाफट ऊपर कर। तेरी विंडो कहाँ से ऊपर होती है? राइट साइड से, सब विंडो को ऊपर कर दे भाई। अभी आवाज आ रही कुत्ते की, गाइस कुत्ते की आवाज आ रही बाहर से। भाई तू अंदर रह, तू बाहर नहीं जाना। नहीं नहीं, दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा सारे दरवाजे बंद कर दिए तूने? गाइस देखो 12 बजने वाले हैं, देखो क्या टाइम हो रहा है, पूरे 12 बजने वाले हैं। देखो गाइस 9 बजे हम आए थे ना, 9 बजे आए थे ना, तो ये रात के 12 बज रहे हैं। गूगल में बता दे क्या टाइम हो रहा है, 12 ही बज रहे हैं यार। नहीं लोग विश्वास नहीं करते, लोग सोचते हैं कि हमने खुद टाइम सेट किया है। हे सिरी, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 11:57 गाइस, 12 बज चुके हैं रात के, तो अभी हमें कुत्ते की आवाज़ आई है भौंकने की, और अभी भी भौंक रहा है वो, उसको पक्का कुछ दिख रहा होगा यार। यार मेरी नींद उड़ गई यार, यहां तो शुक्र है कि दरवाजा हमने बंद कर दिए सारे टाइम से ही। अगर कुत्ता हमें अलर्ट नहीं करता ना, तो हमारे लिए रिस्क हो जाता। हम कह रहे थे खुला दरवाजा, खुला रख के सोते हैं। नहीं भाई गलती कर दी हमने बहुत बड़ी, दरवाजा नहीं खुला, कभी रिस्क नहीं लेता। मैं तो पहले बताया, जंगल में जब रहना है तो दरवाजे पूरे लॉक्ड होने चाहिए आपके, थोड़े से खुले रख दो साइड से, हवा आए बस, क्रॉसिंग आए। चलो अब दरवाजा बंद कर दिया, अब सो जाते हैं यार। चल सो, देखते नींद आती नहीं आती अब। आई यार
मैं सो रहा हूँ यार। Ha ha ha.